हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो जो स्टील स्ट्रक्चर की क्वेश्चन सीरीज चल रही थी हमारी, आज हम उसमें कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं रूफ ट्रस के बारे में। ठीक है, तो देखिए, रूफ ट्रस आप लोग सभी जानते होंगे, जो स्टील स्ट्रक्चर रूफ के ऊपर प्रोवाइड की जाती है, रूफ की फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है, दैट इज द ट्रस, रूफ ट्रस। क्लियर। अब यहाँ पे कई सारे मेंबर आपके लगे हुए होते हैं रूफ ट्रस में, अलग अलग पर्पज को फुलफिल करने के लिए। उनको हम क्वेश्चन की हेल्प से एक एक करके समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, अ रूफ विथ स्लोप इन ऑल फोर डायरेक्शन एंड विद अ ब्रेक इन ईच स्लोप इज नोन एज। तो अब यहां पे देखो आपसे क्या बोला गया है कि एक रूफ है जिसके चारों डायरेक्शन में स्लोप है, चारों डायरेक्शन में स्लोप है, और चारों डायरेक्शन में जो स्लोप है उनमें ब्रेक भी है। ब्रेक का मतलब, जैसे अगर इस डायरेक्शन में स्लोप है तो ब्रेक इस तरीके से है, मतलब जो अलग अलग स्लोप यहाँ पे बताए हुए हैं। क्लियर। तो उस तरह की जो स्लोप हो, उस तरह की जो आपके पास एक रूफ होगी उसको क्या बोला जाएगा, तो इस तरह की रूफ को हम बोलते हैं मेंसर्ड रूफ। क्लियर। देखो और बता देता हूं मैं आपको, आपने देखा होगा कई रूफ इस तरह की होती है आपके पास, जहां पे केवल एक ही डायरेक्शन में आपका स्लोप होता है। क्लियर। इधर मान लीजिए आपके पास गेट हो गया, इधर आपकी विंडो वगैरह लगी हुई है, और जो स्लोप है आपके पास वो एक ही डायरेक्शन में, जैसे टीन साइड वगैरह लगी हुई होती है। ठीक है, इस तरह की जो रूफ होती है इन्हें बोला जाता है लीन ऑफ रूफ, इन्हें बोलते हैं लीन ऑफ रूफ। क्लियर। कई आपके पास जो रूफ होती है वहां पे दो साइड में स्लोप होता है। क्लियर। जैसे अगर मैं इसका फ्रंट व्यू बनाऊं, तो आपके पास मान लीजिए ये एक कोई बिल्डिंग है जिसमें जो रूफ लगी हुई है उसमें दो तरीके से या दो साइड में इस तरीके से स्लोप है। क्लियर। इस तरह की जो रूफ होती है इन्हें बोलते हैं अपन गेबल रूफ। क्लियर। अब कई जो रूफ होती हैं उनमें चारों साइड में स्लोप होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से एक बनाऊं, क्लियर, तो ये दो साइड में स्लोप हो गया, और आपकी फ्रंट साइड में भी स्लोप होगा और आपकी बैक साइड में भी स्लोप होगा। इस तरह की जो रूफ होती है जहां पे चारों डायरेक्शन में स्लोप होता है, उस तरह की रूफ को बोलते हैं अपन हिप रूफ। क्लियर। और अगर इस हिप रूफ में जो चारों स्लोप हैं आपके उनमें ब्रेक हो, ब्रेक होने का मतलब यह है कि एक स्लोप थोड़ा कम, एक स्लोप थोड़ा ज्यादा, इस तरीके से स्लोप में ब्रेक हो, तो इस तरह की जो रूफ होती है जहां पे चारों डायरेक्शन में स्लोप हो और चारों डायरेक्शन में स्लोप में ब्रेक हो, तो उस तरह की रूफ को अपन बोलते हैं मेंसर्ड रूफ। क्लियर। अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं होता और चारों डायरेक्शन में ही स्लोप होता, तो इस तरह की रूफ को बोला जाता हिप रूफ। क्लियर। तो ये स्लोप के बिहाफ पे या किस तरह के स्लोप प्रोवाइड किए हुए हैं रूफ में, उसके बिहाफ पे यहाँ पे नामकरण किया हुआ है इनका। तो आप याद रखना, अगर एक साइड में है तो लीन ऑफ रूफ, अगर दो साइड में है तो गेबल रूफ, अगर चारों साइड में है तो हिप रूफ, और अगर चारों डायरेक्शन में स्लोप में ब्रेक है तो मेंसर्ड रूफ। क्लियर। यहाँ पे आपको बोला हुआ था कि चारों डायरेक्शन में स्लोप है और चारों डायरेक्शन में जो स्लोप है उसमें ब्रेक भी है। क्लियर। तो आपके पास क्या हो गया, ये हो गया मेंसर्ड रूफ। देखो एक डेक रूफ भी यहाँ पे दिया हुआ है। डेक का मतलब होता है जो अपनी स्लैब होती है उसको डेक बोलते हैं। क्लियर। अगर आपके पास जो रूफ है उसमें एक स्लैब लगी हुई हो और स्लैब के बाद इसके चारों डायरेक्शन में स्लोप हो, इस तरीके से, क्लियर, आपके पास चारों डायरेक्शन में स्लोप भी हो और एक डेक भी वहां पे लगी हुई हो, तो इस तरह की जो स्लोप होती है इनको बोला जाता है डेक रूफ। क्लियर ना। तो चार डायरेक्शन में स्लोप के भी अपने पास तीन केस बन गए। देखो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अगर आपके पास चारों डायरेक्शन में स्लोप है, क्लियर, चारों डायरेक्शन में नॉर्मल अगर आपके पास स्लोप है तो वो होगा हिप रूफ। क्लियर। अगर आपके पास चारों डायरेक्शन में स्लोप है और स्लोप में ब्रेक है तो उसको बोल देंगे अपन मेंसर्ड रूफ। अगर आपके पास चारों डायरेक्शन में स्लोप है और स्लोप किसके साथ है, एक स्लैब या एक डेक स्लैब के साथ स्लोप है, तो उसको बोला जाएगा आपका डेक रूफ। क्लियर। तो ये नाम याद रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं ऑब्जेक्टिव में। क्लियर। आगे चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, देखें जरा, द स्पेस बिटवीन एडजेसेंट बेंट इन अ रूफ ट्रस इज कॉल्ड। तो आपके पास एक रूफ ट्रस है जिसमें जो एडजेसेंट बेंट लगे हुए हैं, बेंट लगे हुए हैं, उनके बीच में आपसे स्पेस पूछा जा रहा है, स्पेस कितना होगा। जैसे देखो ये मेरी एक रूफ ट्रस है, इस तरीके से आप माने ये मेरी क्या है, एक रूफ ट्रस है। क्लियर। और इसकी जो लेंथ है वो इस तरीके से जा रही है, ये इसकी क्या है, लेंथ है, ये इसकी एंट्रेंस हो गई। क्लियर। अब आपने देखा होगा
की जो आपकी वॉल है वहां पे वॉल कॉलम लगे हुए होते हैं, इस तरीके से वॉल कॉलम लगे हुए होते हैं बहुत सारे, क्लियर ना। ओके, यहाँ पे आपके पास रूफ का जो मटेरियल है उसको सपोर्ट करने के लिए कई सारे मेंबर लगे हुए हैं, इस तरीके से आपके पास क्या लगे हुए होते हैं, मेंबर लगे होते हैं जो रूफ को सपोर्ट करते हैं। ये जो है ये क्या कर रहे हैं, इस वॉल को सपोर्ट कर रहे हैं, ये वॉल कॉलम होते हैं आपके, ठीक है ना, ये आपके क्या होते हैं, वॉल कॉलम होते हैं, क्लियर, जो वॉल की साइड में लगाए गए हैं या जो वॉल में लगाए हुए हैं, ठीक है ना। अब इन वॉल कॉलम को जो कनेक्ट करने वाली बीम होती है या इन वॉल कॉलम को सपोर्ट करने वाला जो लॉन्गिट्यूडनल मेंबर होता है, जैसे इस तरीके से आपके पास क्या होंगी, कुछ बीम होंगी, इस तरह की जो बीम होती है इन्हें बोला जाता है गिर्ट। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर। अब देखो आप यहां पे आप देखोगे तो ये एक क्या बन गई आपके पास, ये एक बेंट बन गया, ठीक है, और इन दो बेंट के बीच का जो स्पेस होता है इसे बोला जाता है बे, क्लियर, इसे क्या बोलते हैं, बे बोलते हैं। ये भी आपकी एक बे हो गई, ये भी आपकी क्या हो गई, एक बे हो गई, ठीक है, क्लियर। यहां पे एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने के लिए कई बार क्या लगा दी जाती है, ब्रेसिंग लगा दी जाती है, इस तरीके से इनका मूवमेंट रोकने के लिए इस तरीके से क्या लगा देते हैं अपन, कई बार ब्रेसिंग लगा देते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये बहुत सारे मेंबर लगे हुए होते हैं, आप देखोगे जो आपके मेन मेंबर लगे हुए हैं, बीम लगे हुए हैं रूफ ट्रस में लोड को सपोर्ट करने के लिए, इनको बोला जाता है पर्लिन, ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरीके के बहुत सारे मेंबर लगे हुए होते हैं। जो आपकी ब्रेसिंग होती है वो यहाँ भी हो सकती है, सिंगल ब्रेसिंग भी हो सकती है, डबल ब्रेसिंग भी हो सकती है, सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे आपसे बोला गया था कि जो स्पेस होता है दो एडजेसेंट बेंट के बीच में उसे क्या बोला जाता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको बोला जाता है बे, क्लियर। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बे, क्लियर, ये बात समझ में आई। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, जैसे वॉल कॉलम को कनेक्ट करने के लिए कौन सी बीम लगाई जाती है, कौन सा मेंबर लगाया जाता है, तो उसे गिर्ट बोलते हैं, क्लियर ना। वॉल को सपोर्ट करने के लिए वॉल कॉलम होते हैं, एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए ब्रेसिंग लगाई जाती है, इधर लगा सकते हैं, इधर लगा सकते हैं, ये जो बीम सपोर्ट कर रहे हैं इसको, इनको पर्लिन बोलते हैं, क्लियर है ना। तो बहुत सारे मेंबर रूफ ट्रस में होते हैं, एक एक करके अपन पढ़ते रहेंगे इनको सबको, क्लियर। आगे देखिए जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके पास, देखें जरा, इन अ फैक्ट्री बिल्डिंग द हॉरिजॉन्टल बीम स्पानिंग बिटवीन द वॉल कॉलम एंड सपोर्टिंग अ वॉल कवरिंग इज कॉल्ड। देखो वही बात है जो अभी मैंने बताई थी, जैसे आपके पास अगर ये कोई एक रूफ ट्रस है इस तरीके से, क्लियर, और ये इस तरीके से अलोंग द लेंथ जा रही है, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे, जाहिर सी बात है इनको सपोर्ट करने के लिए वॉल कॉलम लगाओगे। ये मैंने एक वॉल कॉलम लगाया, ये दूसरा वॉल कॉलम लगाया, क्लियर। और इन वॉल कॉलम को सपोर्ट करने के लिए या इन वॉल कॉलम को कनेक्ट करने के लिए जो हॉरिजॉन्टल मेंबर लगा हुआ है उसको अभी बात करी थी हमने, उसको क्या बोलते हैं, गिर्ट बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, गिर्ट बोला जाता है, क्लियर। अब ये देखिए आपके जो वॉल कॉलम है उनको कनेक्ट भी कर रही है, स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करवा रही है, इसके अलावा जो वॉल का लोड है उसको भी क्या कर रही है, रजिस्ट कर रही है, ठीक है ना, इस वॉल के लोड को रजिस्ट कर ले करके और इस लोड को कॉलम को ट्रांसफर कर रही है। कॉलम से ट्रांसफर कहाँ हो रहे हैं, आपकी अर्थ में हो रहे हैं या सॉइल में हो रहे हैं, क्लियर है ना। तो आपसे क्या पूछा गया, इन अ फैक्ट्री बिल्डिंग द हॉरिजॉन्टल बीम स्पानिंग बिटवीन वॉल कॉलम, तो वॉल कॉलम के बीच में कौन सा हॉरिजॉन्टल स्पान है आपका, तो कौन सा है, ग्रिट स्पान, ग्रिट लगा हुआ होता है यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर। लिंटल आप लोग सभी समझते हो कि जो वॉल लोड को सपोर्ट करने के लिए बीम लगी हुई होती है उसको लिंटल बोलते हैं, ठीक है। ट्रिमर्स क्या होते हैं, देखो ट्रिमर्स भी आपको एक वर्ड दिख रहा है यहाँ पे, ट्रिमर्स क्या होते हैं, जैसे आपने कोई रूफ ट्रस प्रोवाइड करवाई तो उस रूफ ट्रस में अगर आप कोई ओपनिंग प्रोवाइड करवा रहे हो, जैसे स्टेयर केस के लिए ओपनिंग प्रोवाइड करवा रहे हो, जैसे चिमनी के लिए इस पे आप ओपनिंग प्रोवाइड करवा रहे हो, तो उस केस में हम जो बीम का यूज करते हैं उसे कहते हैं ट्रिमर्स, क्लियर ना। तो अगर आप स्टेयर केस के लिए या चिमनी के लिए रूफ ट्रस में ओपनिंग प्रोवाइड करवा रहे हो तो उस ओपनिंग को सपोर्ट करने के लिए जो बीम लगी हुई होती है, जो मेंबर लगा हुआ होता है, उसे ट्रिमर बोला जाता है। लिंटल आप लोग सभी समझते हो, क्लियर ना, जो ओपनिंग या गेट की ओपनिंग, विंडो की ओपनिंग को सपोर्ट करने के लिए लिंटल लगाए जाते हैं। स्ट्रिंजर्स जो मेन बीम होती हैं, हॉरिजॉन्टल मेन बीम होती हैं, जो कई सारी आपकी छोटी छोटी बीम को सपोर्ट करती हैं, स्लैब को रजिस्ट करने के लिए ये लगाई जाती हैं, उन्हें स्ट्रिंजर बोला जाता है। यहाँ पे आपसे किसके बारे में पूछा हुआ था कि वॉल कॉलम को कनेक्ट करने वाली और वॉल लोड को रजिस्ट करने वाली, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास, गेट हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर। अब आपको सारी चीजें पता लगी, आपसे इनमें से किसमें भी क्वेश्चन पूछे आपको आना चाहिए, बात समझ में आई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ अ पिच रूफ इंडस्ट्रियल स्टील बिल्डिंग प्राइमरी रजिस्ट द लेटरल
लोड पैरेलल टू द रिज। तो रिज आप लोग समझते होगे, रिज क्या होती है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक आपकी रूफ ट्रस बनाऊं, अगेन बनाते हैं, ये आपकी क्या बनाई मैंने यहाँ पे एक रूफ ट्रस बनाई, क्लियर। इस तरीके से अलोंग द लेंथ ये जा रही है, ये इसका टॉप हो गया, क्लियर। तो देखो ये वाला जो पार्ट है आपके पास, ये तो वॉल का पार्ट हो गया, ये तो वॉल है आपकी, वॉल कॉलम हो गई, इनको सपोर्ट करने के लिए ग्रिट लगा रखी है, ग्रिट लगा रखी है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये रूफ का पार्ट हो गया, ठीक है ना, क्लियर। ये रूफ वाला पार्ट हो गया, रूफ को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे लगाए हुए हैं पर्लिन, क्लियर। इनको भी कनेक्ट किया हुआ है और इनके बीच में ब्रेसिंग भी लगाई हुई है। तो अब देखो आप इस रूफ की जो टॉप मोस्ट लाइन है, टॉप मोस्ट लाइन आपकी कौन सी है, ये वाली लाइन है, क्लियर। ये आपकी क्या है, इस रिज की या इस रूफ ट्रस की टॉप मोस्ट लाइन है, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोलते हैं अपन रिज लाइन, रिज लाइन इसी को बोला जाता है। और रिज लाइन का तो वैसे भी पता है, हम बहुत सारा जो सब्जेक्ट है, कई सारे जो सब्जेक्ट हैं जैसे हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन है, सब जगह रिज लाइन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो रिज लाइन का तो मतलब ये होता है कि जो टॉप दो आपके जो एरिया है वहां पे जो टॉप मोस्ट लाइन है जो उनको डिवाइड कर रही है, उसे ही रिज लाइन बोला जाता है, ठीक है। तो इस रूफ ट्रस के केस में कौन सी लाइन आपकी इस रूफ ट्रस को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है और जिसका एलिवेशन सबसे ज्यादा इस लाइन का है, तो ये क्या हो गई, इस रूफ ट्रस की रिज लाइन हो गई, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ अ पिच रूफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इज प्राइमरी रजिस्ट द लेटरल लोड एंड पैरेलल टू द रिज। रिज लाइन के पैरेलल हो और जो लेटरल लोड इस पे आ रहा है उसको क्या करे, रजिस्ट करे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पर्लिन है, पर्लिन जो है ये आपके रिज लाइन के पैरेलल ही लगे हुए हैं, और जाहिर सी बात है जो आपका लेटरल लोड आ रहा है उसका, उसको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे वॉल, सॉरी, आपकी जो रूफ कवरिंग होती है, जो भी आपने कवरिंग प्रोवाइड की हुई है, उसका जो लोड आएगा इन पर्लिन पे कैसा आएगा, लेटरल डायरेक्शन में ही आएगा, क्योंकि पर्लिन होती क्या है, पर्लिन बीम ही तो होती है एक, तो बीम जो है जाहिर सी बात है लेटरल लोड को रजिस्ट करती है। तो लेटरल लोड को ये क्या कर रहे हैं, रजिस्ट भी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ ये आपकी रिज लाइन के पैरेलल भी लगे हुए हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में आपके पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज द पर्लिन, आंसर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। कॉलम का आपको पता ही है कि कॉलम पे लेटरल लोड नहीं आता, लॉन्गिट्यूडनल लोड आता है, तो ऑप्शन डी वैसे भी गलत हो गया, ट्रस पूरी स्ट्रक्चर को ही बोला जाता है। और ब्रेसिंग्स जो होती हैं वो आपकी इनको एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, जिससे इनके बीच में जो आपके पास स्पेस है, इनके बीच में जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या रहे, आपका यूनिफॉर्म लगे रहे, इसके लिए ब्रेसिंग लगाई जाती है, ठीक है। हम वॉल कॉलम के बीच में भी लगा सकते हैं, दो आपके पास जो राफ्टर लगे हुए हैं उनके बीच में भी लगा सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था लेटरल लोड को रजिस्ट कर रहा है, रिज लाइन के पैरेलल लगा है, तो आंसर आपका हो गया यहाँ पे पर्लिन, ठीक है भैया। आगे चला जाए, देखो जरा यहां पे आपके पास क्वेश्चन है, एज पर आईएस 800 द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द डिजाइन ऑफ पर्लिन कैन बी टेक एज। तो आपका जो पर्लिन है इस तरीके से होगा, क्लियर। अब चूंकि ये क्या कर रहा है, रूफ ट्रस के लोड को सपोर्ट कर रहा है, क्लियर। रूफ ट्रस का जो आपका लोड है या रूफ कवरिंग का जो लोड है वो क्या कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है। और वो जो लोड आएगा पर्लिन पे वो कैसा आएगा, जाहिर सी बात है लेटरल डायरेक्शन से आएगा, क्योंकि ये बीम है एक तरह की, क्लियर। और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्लियर। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर मैं इसकी इंटेंसिटी W किलो न्यूटन पर मीटर मान लेता हूँ, इसका स्पान अगर मैं मान लेता हूँ, तो इंडियन स्टैंडर्ड हमें बोलते हैं कि पर्लिन जिस बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन किया जाएगा वो बेंडिंग मोमेंट होगा आपका WL²/10। देख लो ऑप्शन मिल जाएगा आपका। अच्छा, आपको ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो टोटल लोड के रेस्पेक्ट में दिए हुए हैं। यहाँ पे हमने स्मॉल W को क्या माना है, इंटेंसिटी माना है। अगर आपके पास इंटेंसिटी जो है वो W किलो न्यूटन पर मीटर है, तो आपके पास टोटल लोड कितना हो जाएगा, टोटल लोड आपके पास हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज इंटेंसिटी इंटू, इंटेंसिटी इंटू लेंथ, इंटेंसिटी आपके पास W, लेंथ आपके पास L, तो आपके पास टोटल लोड कितना हो गया, W इंटू L हो गया, जिसको यहाँ पे कैपिटल W से डिनोट किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे इंटेंसिटी की जगह को टोटल लोड के टर्म में लिखना चाहूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास W इंटू L डिवाइड बाय 10, क्लियर। ऑप्शन नंबर C जो है आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, क्लियर, क्योंकि हमें हर चीज के बारे में इंडियन स्टैंडर्ड ने बताया हुआ है कि भैया इस के लिए आप इस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए इस बीम को क्या करोगे, डिजाइन करोगे या पर्लिन को डिजाइन करोगे, ठीक है ना, क्लियर। आगे चलते हैं,
आगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा हुआ है पर्लिन कैन बी डिजाइन इकोनॉमिकली, तो जो पर्लिन की डिजाइन हो रही है वो इकोनॉमिकल डिजाइन कैसे कर सकते हैं हम, आपके पास अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, क्लियर। तो देखिए पहला आपके पास केस दिया हुआ है बाय अज्यूमिंग ऑल द लोड नॉर्मल टू द रूफ ट्रस, बिल्कुल कर सकते हैं, आपके पास जो रूफ ट्रस है उसमें जो लोड आ रहा है वो सारा के सारा नॉर्मल लोड हो, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं पर्लिन को डिजाइन कर सकते हैं, और जनरली इसी के लिए किया भी जाता है, आपके जितना भी लोड है वो लेटरली आ रहा है, क्लियर ना, और उस लोड को रजिस्ट कौन कर रहा है पर्लिन कर रहा है, तो उसकी डिजाइन इसी बेसिस पे की जाती है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो गया सही हो गया, ठीक है क्लियर। आपका दूसरा केस जो है वो बोलता है बाय फिशिंग डैम विद राफ्टार, फिशिंग का मतलब कनेक्टिंग, क्लियर, राफ्टार के साथ कनेक्ट करके भी हम पर्लिन को क्या कर सकते हैं डिजाइन कर सकते हैं, क्लियर, राफ्टार इसके परपेंडिकुलर लगे हुए हैं, क्लियर, दैट मींस इनको बीच बीच में कनेक्ट किया हुआ है पर्लिन को, तो इंडिविजुअली अलग अलग सेक्शन पे भी पर्लिन को क्या किया जा सकता है डिजाइन किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी भी आपका यहाँ पे क्या है सही है, क्लियर। तीसरा आपके पास बोला हुआ है बाय प्रोवाइडिंग द सैग रोड, तो सैग रोड अगर प्रोवाइड की हुई है उनको हम कंसीडर कर रहे हैं डिजाइन में, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो पर्लिन को इकोनॉमिकली डिजाइन कर सकते हो, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी भी आपका सही होगा, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। आसान क्वेश्चन आते हैं वैसे रूप ट्रस्ट से अगर देखा जाए तो, काफी आसान टॉपिक है कंपेरेटिवली और जो चैप्टर हैं स्टील के। अगला है आपके पास, अगला क्वेश्चन है आपके पास, जनरली द पर्लिन आर प्लेस्ड इन द पेनल पॉइंट टू अवॉइड, तो जो पेनल पॉइंट है आपके वहां पे आपके पर्लिन को प्लेस किया जाता है किसको अवॉइड करने के लिए, तो देखो ये तो जाहिर सी बात है आप सभी को पता है कि पर्लिन को बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है क्लियर, तो किसको अवॉइड करने के लिए उसको बनाया गया है, जाहिर सी बात है जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है आपका उसके लिए, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं रूफ ट्रस से, बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक है नहीं है अपना, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ईएससी प्रीलिम्स में पूछा हुआ है, यहाँ पे आप देखो व्हाट इज द स्लेंडरनेस रेशियो टू बी कंसीडर्ड इन द डिजाइन ऑफ मेंबर बीसी, यहाँ पे बीसी मेंबर आप देख पा रहे होंगे वो लगा हुआ, ये बी पॉइंट है ये आपका सी पॉइंट है, यहां तक आपका एक मेंबर लगा हुआ है, क्लियर। आपसे पूछा गया है कि इस मेंबर के लिए जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो होगा जो इसकी डिजाइन में कंसीडर किया जाएगा वो कितना होगा, और यहाँ पे आपके पास जो मेंबर लगाया हुआ है वो लगाया हुआ है आईएसएमसी, एक चैनल सेक्शन है जिसकी टोटल डेप्थ कितनी है आपके पास या ओवरऑल डेप्थ कितनी है 100 है, उसको हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। अब इसकी डिजाइन में आपके पास कितना स्लेंडरनेस रेशियो होगा, तो पहली बात तो जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है, अगर मैं स्लेंडरनेस रेशियो की बात करूं तो स्लेंडरनेस रेशियो होता क्या है आपका, दैट इज लेंथ डिवाइडेड बाय आर मिनिमम, और आर मिनिमम जो होती है ये होती है आपकी मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दी हुई है, अगर डायरेक्ट ना दी हुई हो तो आर मिनिमम या मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय एरिया रेशो का अंडर रूट, ये किसको बताता है मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन को बताता है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे तो इस केस में आपके पास जो मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन है दोनों केसेस में एक्स डायरेक्शन के अलोंग और वाई डायरेक्शन के अलोंग दोनों आपको दी हुई है, ठीक है ना, आपकी जो मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन है एक्स डायरेक्शन में वो है 40 mm और आर वाई डायरेक्शन में कितनी है आपके पास 15 mm है, क्लियर। अब आपको बताना है यहाँ पे कि इस पर्टिकुलर केस में आपके पास सिलेंडरनेस रेशियो कितना होगा, तो सिलेंडरनेस रेशियो के लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक होती है लेंथ की रिक्वायरमेंट जो हमारे पास इस फिगर में या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या इस पर्टिकुलर डायग्राम में बताया हुआ है, और दूसरा चाहिए हमें मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन जो भी हमें इस क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। अब बात किसकी करी इसने, बात इसने करी इस मेंबर की, बीसी मेंबर की, ठीक है ना, इसने बात करी बीसी मेंबर की, तो आप अगर यहां पे देख रहे हो तो ये जो बीसी मेंबर होगा आपका जायज बात है किस तरीके से लगा हुआ होगा, इंक्लाइन ही लगा हुआ होगा, देख पा रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर। तो अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी है आपके पास 3 meter है, क्लियर, ये आपकी जो लेंथ है इसकी वो कितनी है 3 meter है, और इस डायरेक्शन में आपके पास जो मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन है एक्स डायरेक्शन में वो कितनी है आपके पास 40 mm है, तो इसका जो स्लेंडरनेस रेशियो होगा वो क्या होगा जायज तौर पे 3 meter है ना, तो इसको mm में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि वो आपका mm में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपके पास, मैं इस तरीके से लिख देता हूं 3 meter डिवाइड बाय 40 mm, क्लियर, मीटर को mm में चेंज कर लो, ये हो जाएगा आपके पास 300,
सॉरी 3000 डिवाइड बाय 40, तो यहाँ पे जीरो से गया जीरो, ये कितना जाएगा, ये आएगा आपका 7, और इधर बचा आपके पास 2, तो 75, ये आया इसका मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो। क्लियर। अब लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हमें इसकी वाई डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी, यहाँ पे वाई डायरेक्शन भी बोला हुआ है, तो वाई डायरेक्शन में इसकी जो लेंथ है वो है आपके पास कितना, 1.5 मीटर। क्लियर ना। और वाई डायरेक्शन में जो मिनिमम आपके पास जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो कितनी है आपकी, 15 mm है। क्लियर। तो यहाँ पे अगर देखोगे मैं मीटर को अगर mm में कन्वर्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा आपके पास 1500 डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा 15 mm, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 से गया 15, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्लेंडरनेस रेशियो 100। तो अब इन दोनों में से देख लो, आपसे मैक्सिमम पूछा हुआ है जो इसकी डिजाइन में कंसीडर करना है, तो इसकी डिजाइन में जो कंसीडर करना है वो क्या करेंगे, इन दोनों में से मैक्सिमम को ही करेंगे। ठीक है, तो ये 75, ये 100, तो मैक्सिमम कौन सा इनमें से, 100, जिसको डिजाइन में क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा ये क्वेश्चन भी आपका इसी तरह का है। ये क्वेश्चन भी आपका इसी तरह का है, देखें जरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपसे। फॉर द रूफ ट्रस शोन इन द फिगर, आपके पास एक रूफ ट्रस बताई हुई है, बॉटम कोड इज ऑफ ISMB 200। तो आपके पास जो ये बॉटम कोड लगी हुई है ए से लेके बी तक, यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्शन में, इसके बनाने में जो आपका सेक्शन यूज हुआ है, दैट इज ISMB 200, मतलब एक बीम सेक्शन लिया हुआ है, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, जिसकी ओवरऑल डेप्थ है आपके पास 200 mm। क्लियर। इसके लिए आपके पास जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो दोनों डायरेक्शन में दी हुई है, आर एक्स आपके पास है यहाँ पे 83 mm, और आर वाई है आपके पास यहाँ पे 22 mm, ये दोनों दिए हुए हैं अपने को क्वेश्चन में। ठीक है भैया, बॉटम कोड ब्रेसिंग आर अवेलेबल एट CND, तो यहाँ पे CND पे आपके ब्रेसिंग्स लगे हुए हैं, आप देख भी पा रहे होंगे। क्लियर ना। आगे बोला हुआ है ब्रेस बॉटम मेंबर AE विल बी इन कंप्रेशन ड्यू टू विंड, तो ये जो आपके पास AE मेंबर है ये आपका किसमें है, कंप्रेशन में है। ठीक है, व्हाट इज द क्रिटिकल स्लेंडरनेस रेशियो यूज फॉर द डिजाइन ऑफ मेंबर AE, जो आपके पास मेंबर AE लगा हुआ है उसकी डिजाइन में आपके पास जो स्लेंडरनेस रेशियो यूज किया जाएगा वो कितना होगा। ठीक है ना, चलो भैया अब देखते हैं इसके बारे में। तो AE मेंबर की हमें बात कर रहा है, ठीक है, AE मेंबर की क्या कर रहा है, बात कर रहा है, इसने ये भी बोला हुआ है कि सी और डी पे ब्रेसिंग्स लगाई हुई है। ठीक है, क्लियर। अब ये जो आपके पास चैनल सेक्शन होगा ये ए से लेके ई तक भी होगा, और हम इसको इंडिविजुअली इस सेक्शन के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर। अगर यहाँ पे लेंथ इसकी देखी जाए तो यहाँ पे लेंथ के बारे में बता हुआ है कि यहाँ पे 6 पैनल्स है 1.5 मीटर के, तो इस सेक्शन की लेंथ आपके पास कितनी हो गई, दैट इज 1.5 मीटर, और इस ए से लेके सी तक की लेंथ कितनी हो गई आपके पास, दैट इज 3 मीटर। क्लियर ना, दोनों डायरेक्शन में आपके पास जो मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन है वो प्रोवाइडेड है, देख सकते हो आप आसानी से। तो अब हम अगर यहाँ पे स्लेंडरनेस रेशियो निकालना चाहें तो स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला हमें पता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्लियर, यहाँ पे आप अगर AE की लेंथ देखो, दैट इज 1.5 मीटर डिवाइड बाय एक्स डायरेक्शन में देखना, इसकी जो आपको रेडियस ऑफ जायरेशन दी हुई है दैट इज 83 mm, तो डिवाइड बाय 83 mm, इसके अलावा आपके यहाँ पे ब्रेसिंग प्रोवाइडेड है, तो ये लेंथ कितनी हो गई मेंबर की, दैट इज 3 मीटर डिवाइडेड बाय वाई डायरेक्शन में कितनी है इसकी, 22 mm, इनमें से जो मैक्सिमम आएगा वो इसका क्रिटिकल स्लेंडरनेस रेशियो होगा, जो डिजाइन में क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, जायज बात है। क्लियर ना, वाई डायरेक्शन आपकी ऐसे हो गई ना, ये सेक्शन एक्स एक्स को बताया हुआ है। क्लियर ना, तो वाई डायरेक्शन में इसकी लेंथ 3 mm डिवाइड बाय जो वाई डायरेक्शन में मिनिमम आपकी रेडियस ऑफ जायरेशन है, तो इसको आप कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगा 1500 mm डिवाइड बाय 83 mm, और दूसरा कितना हो जाएगा आपका 3000 mm डिवाइड बाय 22 mm, इनमें से कौन सा मैक्सिमम आएगा, जायज बात है यही मैक्सिमम आएगा, इसको कैलकुलेट करना, लगभग देखिए आप 100 से तो ज्यादा ही जाएगा, सबसे ज्यादा वाला ऑप्शन एक ही है यहाँ पे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख सकते हो ना, 3000 को 22 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू तो 100 से ज्यादा ही आनी है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी आपके पास दिए हुए हैं 18, 36, 68 और 136, तो 100 से कम तो हो नहीं सकती, तो ABC तो वैसे ही गलत हो गए, आपके पास ऑप्शन कौन सा बचा, डी बचा, तो डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कैलकुलेट करके देख लो, लगभग इतना ही आना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो ये हुआ आपके पास इस तरह के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जरा देखें,
अगला क्वेश्चन आपके पास बोला हुआ है, टॉप कॉर्ड ऑफ अ ट्रस इन अ कंटिन्यूअस, क्या बोला हुआ है, टॉप कॉर्ड ऑफ अ ट्रस इन कंटिन्यूअस ओवर जॉइंट एल अपार्ट, क्लियर। आपके पास बोला हुआ है इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मेंबर इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द ट्रस इज, तो देखे यहां पे आपके पास जो टॉप कॉर्ड लगी हुई है ट्रस में वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का मतलब उसका आपको एंड कंडीशन बताई हुई है, कंटिन्यूअस है और दो जॉइंट के बीच में कंटिन्यूअस है और वहां पे उसकी जो लेंथ है वो आपके पास दी हुई है एल, क्लियर ना। तो आपसे इफेक्टिव लेंथ पूछी गई है इस मेंबर की परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रस, तो अगर वो कंटिन्यूअस है तो इसकी इफेक्टिव लेंथ डायरेक्टली कितनी हो जाएगी आपके पास, टोटल लेंथ एल के बराबर हो जाएगी, सिंपल सी बात है, क्लियर। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ी बात है ही नहीं, कंटिन्यूअस है दो जॉइंट के बीच में, इसकी इफेक्टिव लेंथ पूछी हुई है तो टोटल लेंथ के बराबर ही होगी, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात है ही नहीं इसमें, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके पास, द डिजाइन विंड स्पीड इज वी जेड, द डिजाइन विंड प्रेशर विल बी गिवन एज, तो आपके पास जो डिजाइन विंड स्पीड दी हुई है दैट इज वी जेड, आपको वी जेड बताया हुआ है और इसके बाद आपसे पूछा हुआ है कि डिजाइन विंड प्रेशर कितना होगा, ठीक है। तो विंड प्रेशर को समझने से पहले हम एक बार डिजाइन विंड स्पीड को भी समझ लेते हैं कि डिजाइन विंड स्पीड होती क्या है, डिजाइन विंड स्पीड होती क्या है। देखो डिजाइन विंड स्पीड जो होती है वो आपकी बेसिक विंड स्पीड पे डिपेंड करती है और बेसिक विंड स्पीड आपके एक पर्टिकुलर जगह की कितनी है वो हमें इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने बताया हुआ है, जो वहां पे विंड की वॉल्यूम वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, उसका एक एवरेज लेके हर एक जगह के लिए इंडियन स्टैंडर्ड जो कोड है IS 875 उसने क्या किया हुआ है, बताया हुआ है कि भाई इस जगह पे बेसिक विंड स्पीड इतनी है, बेसिक इस जगह पे इतनी है, ठीक है। तो उस बेसिक विंड स्पीड के रेस्पेक्ट में हमने क्या दिया, एक डिजाइन विंड स्पीड दी, क्लियर। तो डिजाइन विंड स्पीड जो होती है आपकी ये होती है K1 × K2 × K3 मल्टीप्लाइड बाय बेसिक विंड स्पीड, ठीक है। ये क्या होता है आपका, ये होता है बेसिक विंड स्पीड, क्लियर ना। यहां पे जो आपके K1, K2 और K3 होते हैं ये आपके कोफिशियंट होते हैं जो अलग अलग फैक्टर्स को कंसीडर करने के लिए लगाए हुए हैं। K1 होता है इसको रिस्क कोफिशियंट बोलते हैं, K3 होता है जो आपका क्या होता है, K1 जो होता है इसको बोलते हैं अपन रिस्क कोफिशियंट, मैं नाम लिख देता हूं, चलो ये भी पूछ लेते हैं कई बार, इसको बोलते हैं रिस्क कोफिशियंट या इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी कोफिशियंट, क्लियर ना। K2 जो होता है आपका इसे बोलते हैं टेरेन फैक्टर, उस जगह का जो टेरेन है उसको कंसीडर करेगा ये, और तीसरा K3 जो होता है ये होता है आपका टोपोग्राफी फैक्टर, उस जगह की टोपोग्राफी क्या है, ऑब्वियस ही बात है बेसिक विंड स्पीड या आपकी जो डिजाइन विंड स्पीड है आपकी उस पर डिपेंडेंसी दिखाएगी। तो ये जो आपके पास K3 है इसको बोला जाता है टोपोग्राफी फैक्टर, नाम भी इनके याद रखना, ये भी पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। एक होता है आपका प्रोबेबिलिटी कोफिशियंट या रिस्क कोफिशियंट, दूसरा होता है आपका टेरेन फैक्टर, तीसरा होता है आपका टोपोग्राफी फैक्टर, और वी भी होती है आपकी बेसिक विंड स्पीड जो इंडियन स्टैंडर्ड में बताई हुई है हर जगह के लिए स्पेसिफिक, ठीक है। तो अगर ये मुझे सारी चीजें पता लग जाएंगी तो मैं डिजाइन विंड स्पीड निकाल दूंगा जिसके लिए मुझे स्ट्रक्चर को क्या करना है, डिजाइन करना है, ठीक है ना। अब मेरे पास अगर डिजाइन विंड स्पीड आ चुकी है तो इस विंड स्पीड की वजह से जो आपके पास प्रेशर लगेगा हमारी स्ट्रक्चर पे वो कितना होगा, जाहिर सी बात है उसे बोला जाएगा डिजाइन विंड प्रेशर, इसको बोल देंगे अपन डिजाइन विंड प्रेशर, क्लियर। और इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS 875 हमें बताता है कि जो डिजाइन विंड प्रेशर होगा आपके पास, ये डिजाइन विंड प्रेशर है वो होगा आपके पास 0.6 × डिजाइन विंड स्पीड स्क्वायर, ठीक है। डिजाइन विंड स्पीड जो है मैंने यहाँ पे VD से डिनोट कर दिया, क्वेश्चन में आपकी VZ से दी हुई है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरे पास प्रेशर आ गया, ठीक है। अगर मुझे इस प्रेशर की वजह से या इस पर्टिकुलर विंड की वजह से स्ट्रक्चर पे लगने वाला लोड निकालना है, ठीक है, मैं बोलता हूं फोर्स या लोड ड्यू टू विंड। अब इस विंड की वजह से जो आपकी स्ट्रक्चर पे लोड लगेगा जिसके लिए हम डिजाइन करेंगे वो कितना होगा, तो मैं इसको बोलता हूं FW, मतलब विंड फोर्स या विंड लोड। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इफेक्टिव एरिया जिस डायरेक्शन में हम विंड को कंसीडर कर रहे हैं इनटू डिजाइन विंड प्रेशर PD, और यहाँ पे एक कोफिशियंट म्यू से क्या कर दिया जाता है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जो आपकी बहुत सारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी फोर्स के रिगार्डिंग या और बाकी चीजें जो होती हैं अलग अलग फैक्टर जो होते हैं उसकी साइज एंड शेप के बारे में उनको कंसीडर करके चलता है, बिल्डिंग के लिए होता है,
ठीक है ना। तो ये आपका एक कोफिशियंट हो गया, ये आपके पास एरिया हो गया जिस साइड में हम विंड लोड को कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे मान लो इस साइड में है, इस बोर्ड पे मैं विंड लोड को कंसिडर कर रहा हूँ तो बोर्ड का एरिया, ठीक है। और पीडी क्या है, पीडी आपके पास प्रेशर है, किसकी वजह से लगने वाला, विंड की वजह से लगने वाला। तो इस लोड के लिए हम क्या कर देंगे, डिजाइन कर देंगे, या इस लोड को हम क्या करेंगे, डिजाइनिंग में कंसिडर कर लेंगे। अब आपसे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पूछा हुआ, आपसे पूछा हुआ है भैया कि जो डिजाइन विंड स्पीड होती है वो अगर आपके पास वीजेड है तो डिजाइन विंड प्रेशर कितना होगा, तो कितना होता है 60% होता है उसके स्क्वायर का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर, आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। आगे दिया हुआ है आपके पास, देखिए, अकॉर्डिंग टू द IS 875(3) पार्ट थ्री जो है 875 का, वो हमें विंड लोड के बारे में बताता है। नाम भी याद रखना, द डिजाइन विंड स्पीड इज ऑप्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द बेसिक विंड स्पीड बाय फैक्टर्स K1, K2 एंड K3, वेयर इज, क्वेश्चन में कुछ आपके मिस हो गया क्वेश्चन में कुछ। तो आपके पास यहां बोला हुआ है कि जो बेसिक विंड स्पीड होती है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, K1, K2 और K3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब हमें क्या मिलता है, डिजाइन विंड स्पीड मिलता है। तो आपको यहाँ पे बताया हुआ है K1, K2, K3 से मल्टीप्लाई कर दिया, वेयर इज। तो आपसे इसने स्पेसिफिक किसी के बारे में पूछा होगा कि K1 को क्या बोलते हैं, K2 को क्या बोलते हैं, K3 को क्या बोलते हैं। क्वेश्चन में अभी शायद मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है K1, K2, K3 क्या होते हैं। हमें पता है K1 होता है आपका रिस्क कोएफिशिएंट या प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोला जाता है, K2 होता है आपका टेरेन फैक्टर, और K3 होता है आपका टोपोग्राफी फैक्टर। तो किसी का भी पूछे आप बता देना, इस क्वेश्चन में शायद मिसप्रिंट है थोड़ी सी, इसलिए नहीं पता लग रहा है कि हमें स्पेसिफिकली किसी के बारे में या किसके बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। तो जिसके बारे में भी पूछा हुआ हो, आपको पता है तीनों के बारे में, तो आप आसानी से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना, देखिए विंड लोड के बारे में ये क्वेश्चन है। इफ P इज द बेसिक विंड प्रेशर फॉर बिल्डिंग विद लार्ज ओपनिंग, डिजाइन प्रेशर और सक्शन ऑन द वॉल इज टेकन एज, तो डिजाइन प्रेशर इंटरनल के बारे में ये बात कर रहा है, तो वो आपका कितना लिया जाएगा फॉर लार्ज ओपनिंग। ओपनिंग भी आपके पास बताई हुई है कि जो आपके स्ट्रक्चर है उसमें जो ओपनिंग है वो लार्ज ओपनिंग है, ठीक है। क्लियर, अब देखो जो आपके पास इंटरनल प्रेशर लिया जाता है वो किस तरीके से लिया जाता है, देखें जरा। एक्सटर्नल तो हमने अभी काउंट कर ही लिया, एक्सटर्नल प्रेशर तो आपका कितना होता है 0.6 इंटू डिजाइन विंड स्पीड, क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास जो इंटरनल प्रेशर होगा उसके लिए कुछ कॉफिशियंट बताए हुए हैं इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने, जो अपना है IS 875 पार्ट थर्ड। तो इंटरनल प्रेशर कॉफिशियंट अगर मैं यहाँ पे बताऊं, इंटरनल प्रेशर कॉफिशियंट अगर मैं आपके पास बताऊं, तो इंटरनल प्रेशर कॉफिशियंट जो होगा आपके पास वो किस पे डिपेंड करेगा, जाहिर सी बात है उसकी जो ओपनिंग्स होंगी वहां पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जो आपकी ओपनिंग प्रोवाइड की हुई होंगी स्ट्रक्चर में उन पे क्या दिखाएगा, ये डिपेंडेंसी दिखाएगा, जायज बात है, क्लियर ना। अब देखो क्योंकि आप खुद समझदार हो, अगर आपके रूम में एक साइड से हवा आ रही है, दूसरी साइड उसको जाने का रास्ता नहीं है, बहुत छोटा सा रास्ता है, तो विंड का प्रेशर ज्यादा लगेगा। अगर ओपनिंग आपके पास क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा विंड वहां पे आ पाएगी, क्लियर ना। तो प्रेशर उसी तरीके से अफेक्ट होगा। तो ये जो आपके पास इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट है ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है परसेंटेज ओपनिंग जो आपकी प्रोवाइड हुई है, या इसको बोलते हैं परमियबिलिटी, एक ही बात होती है, इसको क्या बोल दिया जाता है, परमियबिलिटी बोल दिया जाता है, या आपके पास इसको परसेंटेज ओपनिंग बोल दिया जाता है। जैसे अगर आपके पास ये वॉल है, ठीक है, इसमें इतनी सी ओपनिंग प्रोवाइड करवा रखी है, वॉल का जो टोटल एरिया है वो 100 मीटर स्क्वायर है, इस ओपनिंग का एरिया 20% है या 20 मीटर स्क्वायर है, तो परसेंटेज ओपनिंग हम निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है ना। तो उसी परसेंटेज ओपनिंग पे, जिसे परमियबिलिटी भी बोला जाता है, ये प्रेशर कोएफिशिएंट डिपेंडेंसी दिखाता है, ठीक है। तो अब देखो तीन अलग अलग केसेस के लिए अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ओपनिंग प्रेशर कोएफिशिएंट आपको बताए हुए हैं। अगर आपके पास परसेंटेज ओपनिंग लेस देन 5% हो, क्लियर ना, तो इस केस को बोलते हैं अपन लॉ परमियबिलिटी या लॉ परसेंटेज ओपनिंग, ठीक है। इसको कंसीडर किया जाता है लॉ परमियबिलिटी केस में या लेस ओपनिंग के केस में, ठीक है। इस केस में आपके पास जो प्रेशर कोएफिशिएंट होता है दैट इज 0.02, सॉरी दैट इज प्लस माइनस 0.2 ऑफ प्रेशर, ठीक है, क्लियर।
अगर आपके पास जो ओपनिंग है दैट इज 5 to 20%, आपके पास जो ओपनिंग है परसेंटेज ओपनिंग है वो 5 से 20 के बीच में हो, तो इसे हम मीडियम परमेबिलिटी बोलते हैं या मीडियम परसेंटेज ओपनिंग बोला जाता है इस केस को, ठीक है। इसमें जो आपके पास कॉफिशियंट होता है दैट इज 0.5p और प्लस माइनस, मतलब दोनों टेंशन या कंप्रेशन वहां पे जनरेट कर सकते हैं, इसलिए प्लस माइनस लेके चलते हैं, ठीक है। तीसरा होता है आपके पास लार्ज ओपनिंग का केस, या इसे बोला जाता है लार्ज परमिएबिलिटी केस। इस केस में आपके पास जो प्रेशर कोएफिशिएंट होता है दैट इज प्लस माइनस 0.7 ऑफ पी, क्लियर। तो यहाँ पे तीनों के लिए याद रखें, आप पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में आपसे लार्ज ओपनिंग के केस में पूछा हुआ है, तो लार्ज ओपनिंग केस मतलब आपके पास परसेंटेज ओपनिंग 20% से ज्यादा। इस केस में आपके पास जो प्रेशर होगा, प्रेशर कोएफिशिएंट होगा दैट इज प्लस माइनस 0.7p, ऑप्शन देख लो यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं, अभी तो मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है क्योंकि आपको इसी क्वेश्चन में मैंने बाकी बात बता दी, बाकी लो परमिएबिलिटी के लिए, मीडियम के लिए, सबके लिए पूछा हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें क्वेश्चन है अपना, इन अ गेबल्ड इंडस्ट्रियल ओपनिंग इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द विंड फोर्स ऑन द रूफ स्लोप शुड बी केप्ट क्लोज टू। तो देखो पहली बात तो कि आपकी जो विंड लोड होगी वो उस स्लोप पे तो बाकायदा डिपेंडेंसी दिखाएगी ही दिखाएगी। अगर आपके पास जो स्लोप है वो काफी कम होगा या कम होगा तो कंपैरेटिवली विंड प्रेशर वहां पे कम लगेगा, अगर स्लोप ज्यादा होगा तो विंड उस पे ज्यादा टकराएगी, ठीक है ना, क्लियर। तो हमें इंडियन स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर आप गेबल रूफ लगा रहे हो उस केस में अगर आपको विंड प्रेशर को मिनिमाइज करना है तो आपको जो स्लोप रखना होगा वो रखना होगा 30 डिग्री, ठीक है। इस केस में जो आपका विंड प्रेशर होगा वो क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा, इससे ज्यादा प्रोवाइड करवाएंगे आपके पास ओपनिंग एरिया बढ़ेगा, जायज बात है आपका विंड प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ पे 30 डिग्री आपको इसके लिए स्टैंडर्ड स्लोप बताया हुआ है, ठीक है, ये इंडियन स्टैंडर्ड की डायरेक्ट गाइडलाइन है, आप याद भी रख सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री, क्लियर ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द लाइव लोड फॉर अ स्लोपिंग रूफ विद 15 डिग्री Where SS is not provided to the roof is taken as। तो यहाँ पे आपसे लाइव लोड पूछा गया है और उस पर्टिकुलर स्लोप का या सॉरी उस पर्टिकुलर रूफ का जो स्लोप है वो कितना है आपका 15 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे पहली बात तो हमारे पास जो रूफ ट्रस होती है उसमें लाइव लोड होता कितना है, ठीक है। तो हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड है IS 875 वो बोलते हैं कि अगर आपके पास स्लोप 10 डिग्री तक है तो उस केस में डिजाइन में जो लाइव लोड कंसीडर किया जाएगा वो किया जाएगा 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है आपके पास 10 डिग्री या उससे कम स्लोप के लिए, क्लियर। और जैसे जैसे स्लोप आपका बढ़ता जाएगा तो लाइव लोड वहां पे जायज बात है कम होता जाएगा, और कितना कम होता जाएगा उसके बारे में भी बताया हुआ है। इसने बताया है कि अगर 10 डिग्री से ज्यादा स्लोप आपका बढ़ता है तो हर एक डिग्री के लिए आपका जो लाइव लोड है वो 0.02 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है ना। हर डिग्री के लिए जैसे मैंने 10 से बढ़ा के 11 कर दिया तो उस एक डिग्री स्लोप इंक्रीमेंट के लिए आपका जो लाइव लोड है वो कितना कम हो जाएगा, 0.02 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। लेकिन ये जो लोड है आपका 0.40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम नहीं हो सकता। ऐसा थोड़ी है कि आप स्लोप को बढ़ा के बहुत ज्यादा कर दो, आपने उसको बढ़ा के 80-90 डिग्री कर दिया या उसको 85 डिग्री कर दिया तो उस केस में तो जायज बात है कि आपका लाइव लोड बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कोड हमें बोलता है कि लाइव लोड अगर 10 डिग्री तक है तो 0.75 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर आप हर एक डिग्री को बढ़ाते जा रहे हो, अगर स्लोप को आप बढ़ाते जा रहे हो तो लाइव लोड हर एक डिग्री के लिए 0.02 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कम होता जाएगा, लेकिन 0.40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम नहीं हो सकता, ठीक है। अभी आपके पास जो स्लोप दी हुई है दैट इज 15 डिग्री। स्लोप आपके पास कितना बताया हुआ है, 15 डिग्री बताया हुआ है।
तो 10 डिग्री तक कितना होता है आपके पास, 0.75 होता है। इसके बाद एक एक डिग्री बढ़ाते जाएंगे और 0.02 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। अब 10 डिग्री के बाद कितना बढ़ाया है मैंने, यहाँ पे 5 डिग्री बढ़ाया है। हर एक डिग्री के लिए रिडक्शन कितना होता है, 0.02 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो बस यहाँ पे इस वैल्यू को आप घटा दीजिए लाइव लोड में से, ये है आपके पास 0.75। 0.02 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.10 आ जाएगा, तो ये आपका देखना कितना हो गया, दैट इज 0.65 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका आंसर। अब देख लो जो दूसरी गाइडलाइन है कि 0.40 से कम नहीं होना चाहिए, तो नहीं है, तो हमारे पास जो आंसर होगा इसका कितना हो जाएगा भैया, 0.65 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर आपके पास स्लोप यहाँ पे 20 डिग्री दिया हुआ होता तो 10 के बाद हमने कितना बढ़ाया, 10 डिग्री बढ़ाया, तो 10 डिग्री के लिए हम क्या करते, 10 × 0.02 कर देते, हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाती, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होती है आपकी ट्रस वाली, उस पर क्या निकालते हैं आप, लाइव लोड को कैलकुलेट करते हैं। ध्यान रखना इसके बारे में क्वेश्चन और भी कभी पूछे, और भी काफी पूछे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लाइव लोड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए आपके पास बोला गया है, इन अ रूफ ट्रस द पिच इज हाफ एंड स्लोप इज वन। पिच आपको हाफ बताई हुई है और स्लोप जो बताया हुआ है वो आपको वन बताया हुआ है। द एंगल ऑफ द इंक्लाइनेशन विद द हॉरिजॉन्टल वुड बी, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल से जो इंक्लाइन एंगल है वो पूछा हुआ है। देखो इसको थोड़ा सा अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ये आपकी इस तरीके से रूफ ट्रस है, ठीक है ना, क्लियर। ये आपके पास क्या हो गया, उसका स्पान हो गया, क्लियर। ये आपके पास उसकी रिजलाइन हो गई, ये पर्टिकुलर हो गई इसकी हाइट, ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी पर्टिकुलर हाइट हो गई। तो यहाँ पे इसका स्पान मैं मान लेता हूं, इसका स्पान है आपके पास एल। सर एक सजेशन दू, दो भैया आपके सजेशन का स्वागत है। तो यहाँ पे आपके पास दो चीज दी हुई है, पहला दिया हुआ है आपके पास पिच एंड सेकेंड इज स्लोप। तो ये साइड का किसी भी साइड का आपके पास जो स्लोप है वो आपको स्लोप दिया हुआ है वन। स्लोप आपको कितना दिया हुआ है, वन दिया हुआ है। तो स्लोप क्या होता है, जाहिर सी बात है अगर मेरे पास ये एक पर्टिकुलर रूफ ट्रस है या रूफ है मेरे पास इस तरीके से स्लोपिंग रूफ है, तो इसकी हाइट बाय ये वाला जो इसका स्पान है, दैट मीन्स स्पान का जो हाफ है उसका रेशियो क्या होता है आपके पास, स्लोप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे निकालना क्या है, इस हॉरिजेंटल के रेस्पेक्ट में एंगल निकालना है, दैट इज थीटा, क्लियर ना। तो अगर मुझे यहाँ पे थीटा निकालना है या एंगल निकालना है तो मुझे देखो यहाँ पे स्लोप बताया हुआ है, स्लोप आपका वन बताया हुआ है, वन का मतलब है कि 1:1 स्लोप यहाँ पे है, 1:1 स्लोप है, क्लियर। और इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के केस में या इस पर्टिकुलर रूफ ट्रस के केस में अगर मैं स्लोप वैसे निकालना चाहूँ तो स्लोप आपका कितना होगा यहाँ पे, टेन थीटा इक्वल टू इसकी जो हाइट है एच डिवाइड बाय इसका जो स्पान है दैट इज एल बाय टू, क्लियर ना। ये हमें कितना बताया हुआ है, डायरेक्टली हमें एक बताया हुआ है, क्लियर ना। ये जो स्लोप है ये हमें कितना बताया हुआ है, डायरेक्टली एक बताया हुआ है। तो अगर टेन थीटा की वैल्यू वन होती है तो जायज तौर पे थीटा कितना हो जाएगा आपका, टेन इनवर्स वन, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 45 डिग्री आ जाएगी। ये हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है ना भैया, क्लियर। पिच जो होती है, पिच आपकी हाइट बाय टोटल लेंथ का रेशियो होता है या टोटल स्पान का रेशियो होता है। अगर मैं स्लोप देखूंगा तो स्लोप तो इस आधे पार्ट में ही देख पाऊंगा ना इसका, अगर मैं स्लोप देखूंगा तो ये तो केवल इस आधे पार्ट में ही देख पाऊंगा, उधर भी स्लोप आपके पास सेम होगा। तो इस आधे ट्राइंगल को कंसिडर करके स्लोप होता है आपका टेन थीटा, हाइट बाय स्पान का आधे का रेशियो जो आपको वन दिया हुआ है, मतलब टेन थीटा वन है, थीटा आपका 45 डिग्री आ गया। अरे ऑफलाइन क्लास चल रही है भैया, आओ आप, ड्रेड ऑफलाइन क्लास चल रही है, आप आइए, आपको आना है तो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 45 डिग्री। एंड यहाँ पे अगर पिच बताया हुआ है, पिच का मतलब होता है कि जो आपकी हाइट है डिवाइड बाय टोटल स्पान का रेशियो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू रिप्रेजेंट द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो। क्लास इलाहाबाद है भैया, इलाहाबाद प्रयागराज में स्वेट अकेडमी जिस नाम से अपना चैनल है, ऑफलाइन बैच भी चल रहे हैं एसएससी जेईई के लिए,
तो आप आ सकते हैं, स्वागत है आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू रिप्रेजेंट द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ एनी कनेक्शन मेंबर विच इज नॉर्मली एक्ट एज अ टाई। तो टाई मेंबर की तरह वो क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, बोला हुआ है यहाँ पे। बट कैन बी सब्जेक्टेड टू द पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम द एक्शन ऑफ विंड एंड सेस्मिक फोर्स। तो देखो, पहली बात तो अगर आपको ये पता हो कि टाई किसको बोलते हैं, तो रूफ ट्रस में जो टेंशन मेंबर लगा हुआ होता है उसको अपन टाई बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है, टाई बोला जाता है। तो टाई एक टेंशन मेंबर है। प्योर टेंशन मेंबर की जो वीड, जो अगर मेंबर आपके पास प्योर टेंशन है या उस मेंबर में प्योर टेंशन आपके पास आ रहा है, तो उसके लिए मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो होता है आपका 400। मैंने टेंशन मेंबर में भी बताया था। अगर आपके टेंशन मेंबर में रिवर्सल हो रहा है स्ट्रेस का, अगर आपके टेंशन मेंबर में स्ट्रेस का क्या हो रहा है, रिवर्सल हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, विंड लोड या अर्थक्वेक लोड की वजह से हो रहा है, तो आपके पास जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है दैट इज 350। अगर रिवर्सल हो रहा है स्ट्रेस का और विंड लोड या अर्थक्वेक लोड के अलावा किसी सेकेंडरी लोड की वजह से हो रहा है, तो स्लेंडरनेस रेशियो होता है दैट इज 180। बात समझ में आई, क्लियर? अभी आपसे बोला हुआ है कि टाई मेंबर है। टाई मेंबर कैसा होता है, टेंशन मेंबर होता है। तो टेंशन मेंबर के केस में मैक्सिमम लैम्ब्डा 400। लेकिन यहाँ पे एक बात और बोल दी कि यहाँ पे पॉसिबल रिवर्सल है स्ट्रेस का, किसकी वजह से, विंड लोड और सेस्मिक लोड की वजह से। तो अगर विंड लोड और सेस्मिक लोड की वजह से स्ट्रेस का रिवर्सल है, तो स्लेंडरनेस रेशियो कितना, 350। तो आंसर यहाँ पे देख लीजिए, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, द सेल्फ वेट ऑफ रूफ ट्रस इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मे बी ऑब्टेन बाय। तो आपके पास जो सेल्फ वेट होता है, इसके लिए डायरेक्टली हमें जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसने बताया हुआ है, सेल्फ वेट जो होता है रूफ ट्रस का, वो आपका होता है एल बाय 3+5 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो एल है दैट इज नोन एज स्पान, ठीक है, किसमें लिया जाएगा, मीटर में लिया जाएगा। तो सेल्फ वेट के बारे में डायरेक्टली जो कोड है हमारे IS-875 उन्होंने बताया हुआ है पार्ट 3 में। तो याद रखना, ये तो याद रखने वाला ही क्वेश्चन है, इसके लिए कोई ना डेरिवेशन है ना कुछ है, ये तो आपको डायरेक्ट गाइडलाइन है, याद ही रखनी पड़ेंगी, ठीक है। देखो, स्टील में दुनिया भर की गाइडलाइन है, कोडल प्रोविजन है, कोड ने हमें बताया हुआ है कि ये इतना है, ये उतना है, ठीक है, तो वो चीजें तो याद ही रखनी पड़ती है। देखो, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखें जरा। अ टाई बार 50 mm × 8 mm, एक आपके पास टाई बार है जिसकी साइज दी हुई है आपके पास 50 mm × 8 mm, इज कैरी अ लोड ऑफ 80 kN। तो मैं लिख लेता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एरिया आपके पास जो है या साइज आपके पास जो है टाई मेंबर की, दैट इज गिवन एज 50 mm × 8 mm, और इस पे जो लोड लग रहा है वो लोड कितना लग रहा है भैया यहाँ पे, दैट इज 80 kN, 80 kN क्या लग रहा है यहाँ पे, लोड लग रहा है, ठीक है ना। अ स्पेसिमेन ऑफ द सेम क्वालिटी स्टील ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 250 mm². अब देखो क्या बात बोला गया है यहाँ पे, ये आपके पास एक्चुअल कंडीशन है जब एक टाई मेंबर जिसकी साइज आपके पास 50 × 8 mm है, वो 80 kN का लोड कैरी कर रहा है, ठीक है, ये आपको एक कंडीशन दे दी। अब आपको दूसरी कंडीशन दी गई कि ए स्पेसिमेन ऑफ द सेम क्वालिटी स्टील, आपके पास कोई दूसरा स्पेसिमेन है, या स्पेसिमेन का मतलब जिसको हम टेस्ट करते हैं वो स्पेसिमेन है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है आपके पास, 250 mm² है, और उसके लिए जो आपके पास मैक्सिमम लोड है वो कितना है आपके पास, 125 kN है, ठीक है ना, क्लियर। तो आपको बताना है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस डिजाइन या इस टाई की डिजाइन में कितना लिया जाएगा। देखो, हमारे पास जो भी परमिसिबल स्ट्रेस वगैरह है वो किसके बेस पे निकाली गई है, जो आपका स्टैंडर्ड स्पेसिमेन होता है उसके बेस पे निकाली गई है। तो यहाँ पे स्पेसिमेन के बारे में इसने बताया हुआ है कि स्पेसिमेन की साइज है 250 mm, और मैक्सिमम लोड कितना ले सकता है, 125 kN ले सकता है। तो इसकी हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेस निकाल सकता हूँ। तो परमिसिबल स्ट्रेस कितनी आ जाएगी आपके पास, दैट इज लोड, दैट इज 125 kN, मतलब इसको मैं 125 × 10⁻³ लिख सकता हूँ न्यूटन कन्वर्ट करके, डिवाइड बाय इसका एरिया जो कितना है आपके पास, 250 है, क्लियर। तो देखो, जीरो से गई जीरो, ये गया पांच बार, तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास, 500 Nm² आ जाएगी। तो परमिसिबल स्ट्रेस हम किससे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड स्पेसिमेन होता है जिसे हम टेस्ट करते हैं उससे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने परमिसिबल स्ट्रेस यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, आ गई मेरे पास कि सेम क्वालिटी का अगर मेंबर होगा तो वो कितनी स्ट्रेस ले सकता है, 500 Nm² तक स्ट्रेस ले सकता है। यहाँ पे बोला हुआ है सेम क्वालिटी स्टील से बना हुआ है,
अब आपके पास जो एक्चुअल कंडीशन है इस टाई मेंबर की उस पे आ जाइए। इस टाई मेंबर में जो लोड लग रहा है दैट इज 80 किलो न्यूटन और इसका जो एरिया है वो आपका 15 × 8 mm है, ठीक है। तो इस केस में आपके पास जो वर्किंग स्ट्रेस होगी वो कितनी होगी भैया, लोड डिवाइडेड बाय इसका एरिया। लोड कितना लगा हुआ है यहाँ पे 80 किलो न्यूटन, दैट मीन्स 80 × 10³ न्यूटन डिवाइड बाय इसका एरिया जो कितना है आपके पास 50 × 8। तो 8 से ये गया 10 बार जाएगा, ये कितना बन गया आपके पास 100 × 100 देख देता हूँ डिवाइड बाय 50, तो ये दो बार चला गया आपके पास। यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस कितनी आ जाएगी 200 N/mm² आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास परमिसिबल कितनी है 500 है, वर्किंग कितनी है आपके पास 200 N/mm² बताया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भैया, दैट इज 500 / 200, इसको काटा पीटी करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 2.5 N, सॉरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ना, तो 2.5 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसी प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। और बस आपको अगर ये पता है कि यहाँ पे स्पेसिमेन अगर दिया हुआ है सेम क्वालिटी स्टील का, तो उसके बेसिस पे जो वहां पे परमिसिबल स्ट्रेस है या जो उसकी फेलियर स्ट्रेस है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फेलियर स्ट्रेस हो गई इसकी, चाहे आप इसको परमिसिबल बोल दो फेलियर बोल दो, ये आपके पास एक्चुअल कंडीशन है। एक्चुअल कंडीशन में आपकी कितनी स्ट्रेस को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, इस लोड पे किया हुआ है, ठीक है। तो जो आपकी अलाउ है या जो आपकी हो सकती है डिवाइडेड बाय जो अलाउ है उसका रेशियो ही फैक्टर सेफ्टी होता है। तो हमारे पास इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गया 2.5 kN, दैट इज द आंसर, ठीक है भैया। ये देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आपके पास बोला गया है एन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग विद 5 bays इज 3 meter वाइड, तो 5 bay दी हुई है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। सबके बारे में बोला हुआ है कि सबकी जो लेंथ है या सबका जो आपके पास साइज है वो 3-3 meter है, तो वो भी बताया हुआ है। आगे देखिए एंड हाइट 4 meter, हाइट भी उसकी बताई हुई है 4 meter है। द टू एंड बेज आर ब्रेस्ड बाय रोड एज शोन इन द फिगर अबो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंड बे जो है आपकी वहां पे ब्रेसिंग लगाई हुई है, ये ब्रेसिंग एक रही, ये ब्रेसिंग दो रही, दो ब्रेसिंग आपकी लगाई हुई है, क्लियर ना। और आगे बोला हुआ है ईच कॉलम कैरीज एन एक्सियल लोड ऑफ 120 kN, तो हर एक कॉलम पे जो आपके पास लोड आ रहा है वो कितना आ रहा है 120 kN आ रहा है, ठीक है भैया कोई बात नहीं। आगे पूछा हुआ है द डिजाइन फोर्स फॉर ईच ब्रेस इज, तो आपके पास ये जो ब्रेसिंग लगी हुई है इनको डिजाइन करने के लिए जो फोर्स लिया जाएगा वो कितना लिया जाएगा। देखो एक तो बात याद रखना कि जो ब्रेसिंग के लिए फोर्स लिया जाता है या ब्रेसिंग के लिए जो डिजाइन फोर्स लिया जाता है वो आपके पास कॉलम लोड का 2.5% होता है, 2.5% ऑफ कॉलम लोड, ठीक है ना भैया। कॉलम लोड का कितना होता है 2.5% होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ब्रेसिंग क्यों 2.5% क्यों होता है, क्योंकि लेसिंग की तरह ही तो डिजाइन हो रही है, कॉलम को कनेक्ट ही तो कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास कॉलम लोड दिया हुआ है, आपके पास ये भी पता है कि 2.5% होता है, दो ब्रेसिंग दी हुई है, तो डिजाइन फोर्स कितना हो जाएगा इसका, दैट इज सिंपली 2.5 / 100% को डिजिट में कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाइड बाय कॉलम लोड जो आपका 120 है और दो ब्रेसिंग लगी हुई है, तो कर लो इसकी काटा पीटी, ये इधर से जीरो हटा पॉइंट हटा के इधर जीरो आ जाएगी, ये आपका 1 और ये आपका 40, इसको काटूंगा ये आ जाएगा आपके पास 3, तो 3 × 6 6 kN इसका आंसर हो जाएगा, 3 × 2 आपके पास ये कितना हो जाएगा 6 kN इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, देखने में खतरनाक लग रहा था, पर आपसे ज्यादा कुछ डिटेल पूछी नहीं हुई है। ब्रेसिंग की डिजाइन की हुई है 2.5% लोड के लिए की जाती है, ठीक है। तो ब्रेसिंग लगी हुई है मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया, आपके पास आंसर आ गया दैट इज 6 kN, ठीक है। तो ये रूफ ट्रस के कुछ क्वेश्चन थे। एक्चुअली रूफ ट्रस के क्वेश्चन कंपैरेटिवली काफी आसान होते हैं, क्योंकि एक एक ही तरह का डेटा यहाँ पे पूछा जाता है। आपके पास अगर ये पता है कि रूफ ट्रस में जो मेंबर कनेक्टेड हैं वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा मेंबर कनेक्ट होता है, क्या क्या उनका पर्पज होता है, वो आपको सारी चीज पता है, तो आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपसे विंड लोड के बारे में पूछा जाता है, तो विंड लोड के बारे में भी आसान है भैया, डिजाइन विंड स्पीड आसानी से निकाल सकते हैं, K1, K2, K3 × बेसिक, प्रेशर आसानी से निकाल सकते हैं 0.6 × डिजाइन विंड स्क्वायर या डिजाइन विंड स्पीड स्क्वायर, आसानी से फोर्स निकाला जा सकता है, इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट परमिएबिलिटी पे डिपेंडेंसी दिखाते हैं, तो वो भी आसान है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, छोटा मोटा न्यूमेरिकल, क्लियर ना। हालांकि SSC में इस तरह के नहीं पूछे जाएंगे आपसे, मोस्ट प्रोबेबली पूछे भी जा सकते हैं लेकिन कंपैरेटिवली कम चांस है। तो आपसे जो क्वेश्चन
जो हमने पहले पहले करे थे कि इस मेंबर को क्या बोलते हैं, उस मेंबर को क्या बोलते हैं, सिलेंडर नेस रेशियो कितना होता है, उस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आने के चांस है और जो काफी सिंपल भी है, ठीक है ना। तो अभी अपने स्टील स्ट्रक्चर में जो क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, सारे को सारे क्वेश्चन हो चुके हैं वहाँ पे। अब जो अपनी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कुछ क्वेश्चन लेंगे जो पूरे की पूरे सब्जेक्ट से उठ के आएंगे, ठीक है। अभी तक तो अपन एक एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, रूफ ट्रस को डिस्कस किया, कनेक्शन को डिस्कस किया, लेकिन अभी जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उसमें सारे कंबाइंड सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे थोड़े, क्लियर। तो कल वाली वीडियो में उनको करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड डे।